रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब तक अपने निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। जंग दिन पर दिन भीषण होते जा रही है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं है। जंग के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये खबर रूस की गद्दी से जुड़ी हुई है। क्या वाकई में रूस में अब तख्तापलट हो जाएगा? क्या पुतिन के हाथ से बिल्कुल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की तरह पावर छीन ली जाएगी? जी हां, रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे भाड़े के सैनिक वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन पर सशस्त्र विद्रोह का आरोप लगा है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी ने वैगनर ग्रुप के सैनिकों से अपील की है कि वो प्रिगोजिन के आदेश को मानने से इनकार कर दें। एफएसबी ने प्रिगोजिन की बगावत को रूसी सेना की पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है। Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты. वहीं वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन रोस्तोव ऑन डॉन में रूसी सेना मुख्यालय पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री शोइगु और जनरल गेरासिमोव को देखने की मांग की और साथ ही दावा किया है कि रूसी सेना उनके ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए भी तैयार है। इन सभी के मद्देनजर रूस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ सेना के जवान तैनात हैं। क्रेमलिन द्वारा प्रिगोजिन पर सशस्त्र विद्रोह का आह्वान करने का आरोप लगाया गया है। न्यूज एजेंसी ने कहा है कि जैसे ही येवगेनी प्रिगोजिन और सैन्य शीर्ष अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रहा गतिरोध चरम पर पहुंच गया, रूस की एफएसबी सुरक्षा सेवा ने उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला खोल दिया है। सुरक्षा सेवा ने वैगनर निजी सैन्य कंपनी बलों से येवगेनी प्रिगोजिन के आदेशों की अनदेखी करने और उसे गिरफ्तार करने का आह्वान किया है। कभी रूस की तरफ से यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ये सैन्य बल आज रूस के खिलाफ ही खड़ा हो गया है। रूस में गृहयुद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन ने मॉस्को को दंडित करने और बदला लेने की कसम खाई है। यूक्रेन में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले के लिए प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को दोषी ठहराया है। इस हमले में दर्जनों वैगनर लड़ाकू मारे गए हैं। अब समूह के सरगना ने बदला लेने की बात कही है। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि देश के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करेंगे। जिन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया उन्हें दंडित किया जाएगा। हम मॉस्को जा रहे हैं और जो कोई भी हमारे सेंटर में प्रवेश करेगा वह इसके लिए जवाबदेह होगा। यूक्रेन युद्ध में येवगेनी प्रिगोजिन के भाड़े के सैनिकों वाला वैगनर ग्रुप पहले मोर्चे पर लड़ रहा है। बीते दिनों प्रिगोजिन ने कई वीडियो साझा कर रूसी रक्षा मंत्रालय पर उनके सैनिकों को पर्याप्त हथियार और संसाधन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया था। इस जंग में आगे क्या होने वाला है यह अपने आप में बहुत रोमांचक होगा। क्या रूस में भी पाकिस्तान की तरह गृह युद्ध होगा या येवगेनी प्रिगोजिन का अंत, ये वक्त ही बताएगा।